इतनी तादाद में एक ही जगह पर ईंटों वाले भट्टे शायद पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ। ये स्टोन पेल्टिंग हो चुकी है और ऑब्वियसली ये सरेआब के इलाके में हुआ है। मैं सबसे पीछे वाली कोच में आया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। दाल लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ आप बता दें। आलू की माँ देते हैं। आलू की माँ पानी आ रहा है आपके मुँह में। मांसाहारी ठीक है। टिप्पी जंक्शन पे हमसे पहले ही 3 अप सिस्टर ट्रेन का यहाँ पे मिलाप हो गया। पार्ट्समैन आ गए और ये यहाँ से सिग्नल थ्रू करेंगे तो ट्रेन आगे जाएगी। मेल का मतलब है कि वो ट्रेन जो डाक लेके चलती है। तो मुझे अभी इस ट्रेन में कहीं कोई लाल डब्बा नज़र नहीं आ रहा। कोटरी जा रहे हो? मैंने कल भी देखा, कल भी ट्रेन में आ रहे थे तुम। देखते हैं अभी अलामा इकबाल एक्सप्रेस कोटरी से निकलती है पहले या बूलान मेल 4 डाउन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर कोयटा रेलवे स्टेशन से खुशामदीद। आज 3 दिसंबर सन 2021 है और आज का दिन मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपना पहला ट्रैवल कर रहा हूँ बूलान मेल ट्रेन में। और कोयटा से मैं कराची जाऊँगा। इकॉनमी क्लास बुक करवाई है क्योंकि एसी स्टैंडर्ड की एक ही कोच थी और उसमें मुझे और मेरे दोस्तों को जगह ना मिल सकी। तो अभी लोकोमोटिव अटैच हो चुका है 5126 RG20। ट्रेन रेडी है, तकरीबन 20 मिनट हैं अभी डिपार्चर में। तो आज के दिन इस ट्रैवल में हम आपको ट्रेन का रूट दिखाएंगे। सबसे पहले ये बूलान पास से होती हुई सिब्बी पहुंचेगी ML3 पे, फिर ML3 पे ही सिब्बी से इसका लोकोमोटिव रिवर्सल होगा और G20 इसको लीड करेगा सिब्बी से कराची तक। और उसके बाद ये ट्रेन जैकबाबाद पहुंचेगी और फिर हबीब कोट पहुंचकर ML2 पे डाइवर्ट हो जाएगी और वहां से फिर ये अंदरूने सिंध लाड़काना दादू 7 शरीफ से होती हुई कोटरी ML1 के ऊपर अप्रोच बनाएगी और फिर वहां से कराची तक का सफ़र जो है वो ML1 पे होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटे? ठीक हो? क्या नाम है आपका? ज़ोर से बताओ। मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर, वेरी गुड। स्कूल जाते हो आप? हाँ। कौन से स्कूल में जाते हो? क्या नाम है स्कूल का? स्कूल है। और ट्रेन में बैठते हो आप? कहाँ जाते हो ट्रेन में बैठ के? कराची। तो आज मेरे साथ चलो यार। चाहोगे? हाँ। अकेले जाओगे बाबा के साथ या मेरे साथ जाओगे? बाबा के साथ जाओगे। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है आपका। ये भी रेल फैन है माशाल्लाह। हाँ, मेरी तरह ये भी रेल फैन है। तो इसको लेके आए ना इस्लामाबाद आप। सफारी ट्रेन हम ट्रैवल करेंगे, ज़रूर आएंगे, ज़रूर। हाँ, मोस्ट वेलकम गौरी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी एक आपको मैसेज देना चाहूँगा कि आप आए, हमारी ख्वाहिश थी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। तो नेक्स्ट टाइम भी आप ज़रूर आइएगा, जब भी आएँ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जवाब ना जी, ट्रेन निकल रही है, एक विसल हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत? मैं जाना दुबारा दुला दिया है। कहाँ जा रहे हो? मैं कोटरी। कोटरी जा रहे हो? मैंने कल भी देखा, कल भी ट्रेन में आ रहे थे तुम। कल भी देखा तुम्हें मैंने। क्या करोगे कोटरी जाके? मैंने जाएंगे वहाँ पर जाना है? हाँ। काम है? चलो ठीक। अभी इकॉनमी क्लास की कोच देख लें, रिफर्बिश हुई हुई है, साफ़ सुथरी बनी हुई है सीट्स, कोशिश वगैरह ठीक है, फैंस लगे हुए। पहले भी आपको दिखाया है मैंने इनॉग्रेशन वाला डे पे। तो अभी ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये खाली पड़ा हुआ है अभी तक, होपफुली आगे से सवारी इसमें बैठेंगी। और इसके अलावा शटर मैं दिखा दूँ, ये मैं सीट पे अभी फ़िलहाल बैठा रहा हूँ। शटर इसलिए बंद कर दिया है कि आगे स्टोन पेल्टिंग होगी, तो पुलिस वाले भाई आके मैं बता के गए हैं कि कुछ टाइम के लिए जब सरेआब रेलवे स्टेशन गुजर जाए तब तक इसको बंद रखें। ट्रेन हमारी आहिस्ता आहिस्ता बुलान पास की तरफ बढ़ रही है। अभी बहुत ज़्यादा पैसेंजर नहीं है इस कोच के अंदर, 6 नंबर कोच है, इकॉनमी क्लास की है और सेंटर में लगी हुई है पूरी ट्रेन के रेक के अंदर। ट्रेन का टिकट कराची तक जो है वो 1000 रुपये है इकॉनमी क्लास का और 2400 रुपये एसी स्टैंडर्ड का है। सुफियान क्या हाल है? आज आपके शहर चल रहे हैं भाई, थैंक यू। इमरान भाई बैठे हुए हैं, क्या हाल है इमरान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई वैसे तो टूर ऑपरेटर हैं और बड़े एक्सपीरियंस सीजनड हैं ये, पर आज ये रेल का सफ़र कर रहे हैं तो इकॉनमी, हाँ इकॉनमी भी करना पड़ेगा सर, आजकल नया पाकिस्तान है तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। तो इंशाल्लाह सफ़र तो हमारा जारी रहेगा और कोशिश करेंगे इसको ज़रा थोड़ा सा इंजॉय भी करें। ये बिलाल भाई लेटे हुए हैं यहाँ पे। सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? आपकी कुछ बेहतर फर्क? बिलाल को कल से इन्फेक्शन हुआ हुआ है, कैब राइड हमने की थी चमन में तो उससे जो ठंडी हवा है वो इनको लगी है तो आँख इनकी थोड़ी सी इन्फेक्शन हुई हुई है। तो आप रेस्ट करो थोड़ा सा। और ये एक और भाई खड़े हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? क्या नाम है आपका? राशिद अली जी सर। तो आप अभी मिले हैं और आपने सुफियान भाई से भी बात की है। जी जी। तो आप रेल फ़ैन हैं? जी सर रेल फ़ैन हूँ, आप लोगों का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, आप लोग की वीडियोस देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया यार। जी सर। तो आज किधर जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं? सर मच तक जा रहे हैं। मच जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? सर ऐसी बस बोलान मेल का थोड़ा सा। अच्छा इन्जॉय कर रहे हैं? इन्जॉय करने के लिए। ज़बरदस्त यार, 2 साल बाद सफ़र किया इसमें। 2 साल बाद? तो कैसा लगा आपको, दोबारा ट्रेन चली आपकी? जी सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फेसबुक पर भी हम लोग ने काफ़ी इसके लिए कोशिशें की कि चले, तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि चलती रहेगी। आप कोशिश करें कि जितने इलाके के लोग हैं वो टिकट ले के सफ़र करें। टिकट ले के, वेरी गुड यार, टिकट ले के सफ़र कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है बाहर का, कोटा के आउटस्कर्ट से अभी बुलान मेल गुजर रही है और अपकमिंग जो रेलवे स्टेशन है जहाँ से पास होंगे वो स्पीजेंट जंक्शन है, जहाँ से ML4 ताफ्तान बॉर्डर ईरान बॉर्डर की तरफ निकल जाती है। सामने आपको जो बड़ा सा पहाड़ नज़र आ रहा है इसका नाम चिल्तन है, बहुत ही मशहूर, और इसी नाम से रिलेटेड एक ट्रेन चला करती थी कभी, चिल्तन एक्सप्रेस, लाहौर से कोटा के लिए, बरास्ता मुल्तान, शेरशाह, कोटद्दू, डीजी खान, कश्मोर, जैकबाबाद, सिब्बी। तो हमारी दुआ है कि वो दोबारा चले और इस इलाके के, साउथ पंजाब के और इंटीरियर सिंध के जो लोग हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हों। बहुत ही ज़बरदस्त सीन है और सामने आपको ईंटें बनाने वाले भट्टे बहुत ही ज़्यादा तादाद में नज़र आ रहे हैं। इस साइड पे भी देखें, इतनी तादाद में एक ही जगह पर ईंटों वाले भट्टे शायद पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ। तो दोस्तों ML4 आपको नज़र आ रही है फ्रेम में, ईरान बॉर्डर से आ रही है, 660 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है टोटल और हम अप्रोच कर रहे हैं स्पीजेंट जंक्शन पे। इंशाल्लाह एक दिन आपको लेके चलूँगा, ज़िंदगी रही तो ट्राई करेंगे, रेलवे ऑफिशियल से बात करेंगे कि मुझे इस ट्रैक के ऊपर अलाउ करें और मैं इस ट्रैक की जो मुश्किलात हैं वो पाकिस्तानी अवाम के सामने ले कर आऊँ और जिन लोगों से ढकी छुपी हैं उनको बताएँ कि कितना मुश्किल इलाका है ये। बुलान पास में एंटर हो रहे हैं अभी हम और जो रेलवे स्टेशन आ रहा है अपकमिंग वो कोलपुर का होगा और यहाँ बुलान पास की सबसे पहली जो सुरंग है उसके अंदर से गुजर के हम कोलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। पे बहुत ही खूबसूरत मंजर है, ख़ास तौर पे इन दरख्तों का। और कोशिश करते हैं कि अगर कैब राइड हो जाए आबे गुम तक तो आपको बुलान पास जो है वो फ्रंट से हम दिखा दें। माशाल्लाह होटल के पास से गुजर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी स्टीप सेक्शन है तो ब्रेक सप्लाई हो गई हैं। डायनामिक ब्रेक्स ने ट्रेन को कंट्रोल किया हुआ है इस वक्त और ऑपरेट कर रहे हैं बहुत ही माहिर ड्राइवर कोटा डिवीज़न के। इस वक्त हम बुलान पास के अंदर सफ़र कर रहे हैं और यहाँ का जो स्टीपेस्ट ग्रेड है वो 1/23 है, यानी कि अगर 23 फुट हम ट्रैवल करें तो 1 फुट ट्रेन नीचे चली जाएगी या ऊपर आ जाएगी। बहुत ही खूबसूरत रेलवे ब्रिज से गुजरे हम और एक रेलवे ब्रिज आगे आ रहा है नज़र। क्या बात है यार, मज़ा आ गया आज तो। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है यार और हम आपके लिए कवर कर रहे हैं बुलान पास से। और ट्रेन है बुलान मेल कराची की तरफ निकली हुई है, हम सब रेल फैंस को लेके। दोस्तों सामने जो आपको टनल नज़र आ रही है ये मैरी जेन टनल है, बहुत ही फेमस टनल जिसमें इंजीनियर की जो वाइफ थी उसने यहाँ के खुदकुशी कर ली थी। तो अभी हम इसमें से पास होंगे। चौरानवे की बनी हुई है मैरी जेन और 16 नंबर टनल है ये। आप स्टॉप डेड का बोर्ड देख रहे हैं। ट्रेन बोलान मेल यहाँ पे रोक ली गई है, ब्रेक चेक हुई हैं और यहाँ पे क्लियर सिग्नल मिलेगा। अगर खुदा ना खास्ता जहाँ हम रुके हुए हैं यहाँ पे ब्रेक ना लगती तो ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया जाता। लेफ़्ट साइड पे जो लाइन ऊपर जा रही है कैच साइडिंग। अभी देखें कि पॉइंट मैन जो है वो कांटा बना दिया है और ये सिग्नल डाउन हो गया है। अभी दुदान रेलवे स्टेशन के ऊपर से गुजर रहे हैं हम। अभी जो टनल आ रही है ये विंडी कॉर्नर है, 1894 की बनी हुई 15 नंबर टनल। एक और कैच साइडिंग आ रही है आगे। यहाँ से आप देखें कितना स्टीप ट्रैक है, ढलान है बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ। यहाँ पे ट्रेन को एक दफ़ा फिर रोक लिया जाएगा ब्रेक चेक करने के लिए। कैच साइडिंग के लिए अभी इसको पॉइंट्समैन आ गए और ये यहाँ से सिग्नल थ्रू करेंगे तो ट्रेन आगे जाएगी। तो सामने हिरोक रेलवे स्टेशन है, वहाँ से ही आए हैं और स्टॉप डेट के साइन पे हम रुके हुए हैं अभी। तो जो सिग्नल है वो हमेशा अप रहता है ताकि भी चौड़ी कैच साइडिंग नज़र आ रही है जो बहुत ऊपर तक चली गई है पहाड़ के अंदर। बाद फ़ौरन ही अपग्रेड नज़र आ रहा है सामने। तो यहाँ पे नौचप होगा लोकोमोटिव और इस चढ़ाई के ऊपर ज़ोर लगा के चढ़ेगा। यहाँ से सामने स्टॉप डेड का साइन एक दफ़ा फिर आपको नज़र आ रहा है। कैच साइडिंग है और काफ़ी गहरी उतराई है, उससे पहले ट्रेन यहाँ पे रोक ली जाएगी। पॉइंट्समैन क्लियर सिग्नल देगा तो हम आगे बढ़ेंगे। जी कैच साइडिंग से अभी निकल रहे हैं और भाई साहब ने पॉइंट बनाया है। हमारी ट्रेन जो है वो डाइवर्ट हो गई है मेन लाइन के ऊपर। ये वाली कैच साइडिंग की लाइन है वाइट वाली जो है। ओवरशूट ट्रेन हो जाए तो इसके ऊपर भेज देते हैं, यानी कि जब ब्रेक फेल हो जाए और ट्रेन ऊपर चढ़ाई की तरफ जाके रुक जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का कांटा बना हुआ है। यहाँ से रखें स्विच, राइट हो जाएंगे अभी हम यहाँ से। अभी आप यहाँ से हमें पेप्सी पिलाओगे? बिल्कुल, क्योंकि इतने बड़ी कैब राइड के बाद कोक तो बनती है ना यार। ये पेप्सी ट्रेन यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट के करीब रुकेगी और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सिब्बी की तरफ। अच्छा, मच रेलवे स्टेशन की एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि प्लेटफॉर्म जहाँ भी बनाए जाते हैं वो फ्लैट सरफेस जो होता है उस पर बनाए जाते हैं। तो मच रेलवे स्टेशन की दोनों साइड से जो एंट्री है वो अपग्रेडियंट एंट्री है। इस वजह से जब ट्रेन आती है सिब्बी की तरफ से तो वो आगे निकल जाती है और आगे जाके फिर वापस आती है। और इसी तरह कोयटा से जब ट्रेन आती है तो वो अपग्रेडियंट ट्रैक है और आके स्टेबल होती है वो प्लेटफार्म के ऊपर। ट्रेन हमारी रवाना हो रही है सिब्बी के लिए और मच रेलवे स्टेशन से आप देख रहे हैं कि ये बैक जा रही है ट्रेन, इसलिए कि सामने से जो यार्ड है वो डिसकनेक्टेड है। और उसकी रीज़न यही है कि जो प्लेटफॉर्म है वो हमेशा फ्लैट सरफेस के ऊपर बनाया जाता है और मच रेलवे स्टेशन की जो दोनों साइड्स हैं वो अप ग्रेडियंट हैं, तो इसलिए मेन लाइन के ऊपर मच रेलवे स्टेशन नहीं बना हुआ। रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म से रिवर्स आने के बाद दोबारा हम अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और मेन लाइन के ऊपर दाखिल हो जाएंगे। मेन लाइन पे यहाँ से अब हम लेफ़्ट हो रहे हैं, तो ये मेन लाइन है अभी। वालेकुम पे दो बैंकर लोकोमोटिव रेडी हैं 5119 और 5112। सारा सही चला एंट्री के वक्त जो है जी। आप एक पे खड़े हुए हैं और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस का हमारे साथ क्रॉस हो जाए। आप क्या कहते हो, ट्रेन आ रही है सामने से या नहीं? सर लाइट्स तो नज़र आई थी। अच्छा, उम्मीद है कि हो जाएगा, नहीं होगा तो शायद पेशी पे हो जाए आगे, इससे नेक्स्ट स्टेशन पे। जी बिल्कुल, चलें ना सिग्नल्स पे नज़र रखते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ पे मेरे ख्याल में चल रही है। क्रॉस मुझे लगता है आगे कहीं होगा। आप एक वो रेलवे स्टेशन है जो सिपी साइड से ट्रेन आती हैं, तो यहाँ पे बैंकर लोकोमोटिव्स जो हेल्पर भी होते हैं बेसिकली, या पुशर आप कह लें, वो ट्रेन के पीछे अटैच किया जाता है और वो पीछे से ज़ोर लगाता है और ट्रेन को पुश करता है। अभी डिपार्ट हो रही है हमारी ट्रेन आबेगुम रेलवे स्टेशन से और यहाँ से बोर्ड होना पड़ेगा हमें इसमें। चलो दो ना, दो जगह पे 50-50 नहीं 50 का नहीं, अभी भाई को कितने का दिया? 20 का दिया है ना, तो थोड़े से हमने चखने हैं ना। वो 30 का चखने हैं हमने, उसको 30 का दिया। 30 का दिया है, बस 25-25 के दो दे दो। ठीक है, और डालो, ये 5 रुपये का डाला इतना सा। ये कितने का है? 25। देखते हैं गाइस, ये 25 रुपए के चने कैसे हैं? आबेगुम की फेमस है ये चाय। अच्छा जी, तो लोकोमोटिव से हम अब आ गए हैं अपनी कोच के अंदर और बाकी का सफ़र इंशाल्लाह कराची तक जारी रखेंगे। अभी पेशी रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रहे हैं। दिन के 2:15 हुए हैं और हमारा सफ़र जारी है सुबह 11 बजे से बूलान मेल। एक मिनट से भी कम वक्फा किया गया है यहाँ पे और अभी हम रवाना हो रहे हैं। सोलर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है पेशी रेलवे स्टेशन पे। पेशी रेलवे स्टेशन या बूलान पास? नहीं, अभी इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बड़ा बिल्कुल ही, हाँ स्टेशन तो अच्छा था पर स्टॉप बिल्कुल ही छोटा सा था। मेरे ख्याल में 20 सेकंड का स्टॉप होगा या 25 सेकंड का। इधर शेड्यूल्ड स्टॉप तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई स्टाफ ने या किसी ने अच्छा उनके लिए ऑपरेशनल था। हाँ वही मुझे हैरानगी थी कि इतनी कम टाइम के लिए ट्रेन रुकी है और चल पड़ी। 1895 की बनी हुई सीटल टनल नंबर 12 में हम एंटर हो रहे हैं। छोटा सा रेलवे स्टेशन है और यहाँ आके हम रुके हैं अभी। पनीर रेलवे स्टेशन पे 2 मिनट के स्टॉप के बाद निकल रहे हैं हम। दिन के 2:30 बजे हुए हैं, 2:33 और ये पानी का टैंकर आपको नज़र आ रहा है, ये रेलवे स्टेशन के लिए किसी भी करीबी जगह से इसमें पानी लेके आया जाता है। बैरन लैंड है और बहुत मुश्किल लाइफ है यहाँ की। आप ये देखें कि ये स्टोन पेल्टिंग हो चुकी है और ऑब्वियसली ये सरेआब के इलाके में हुआ है। मैं सबसे पीछे वाली कोच में आया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। किसी जाहिल शख्स ने ट्रेन पे पत्थर मार के उसका शीशा तोड़ दिया है। उम्मीद है कि कोई ज़ख्मी नहीं हुआ होगा, यहाँ कोई उस वक्त नहीं बैठा हुआ होगा। बहरो कुनरी रेलवे स्टेशन था ये। यहाँ पे शेड्यूल्ड स्टॉप तो नहीं है, पर मेरे ख्याल में क्रू को ट्रेन में सवार करने और उतारने के लिए ट्रेन रोकी गई है यहाँ पर। कि मुशकाफ टनल दरियाई नाला आपको नज़र आ रहा है, जो कि बारिशों के दिनों में बहुत ज़ोर शोर से बहता है। एरिया नज़र आ रहा है। इसमें मैन मेड एक वाटर रेजरवायर जो है वो बनाया जा रहा है। जो बारिशों का पानी होगा वो इस रेजरवायर में सेव किया जाएगा और उसको बाद में यूज़ करेंगे। तो अभी हम मुशकाफ के इलाके से गुज़र रहे हैं और सिबी की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने आपको उसके स्पिलवेज भी नज़र आ रहे हैं और ये वाटर चैनल्स बने हुए हैं जिसमें पानी छोड़ा जाएगा और अपनी मर्ज़ी की जगह पे उसको पानी को भेजा जाएगा। ये साथ साथ सब वाटर चैनल्स बने हुए हैं। बहुत ही जरखेज़ इलाका नज़र आना शुरू हो गया है। बैरल लैंड ख़त्म हो गई है और खेती आपको हुई भी यहाँ पे नज़र आ रही है। बोलान मेल मुशकाफ रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है और यहाँ पे स्टॉप होगा। हो सकता है सामने से आने वाली ट्रेन जो 40 अप जाफ़र एक्सप्रेस है उससे यहाँ पे क्रॉस हो जाए। इस एरिए में 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस 40 अप बन के चलती है। और इसको थ्रू सिग्नल मिला हुआ है, रुकेगी नहीं है यहाँ पे। तीन बज के 19 मिनट पर 40 अप जो कि पिशावर से 40 डाउन बन के चली थी उसका क्रॉस हुआ है मुशकाफ रेलवे स्टेशन पे और कोयटा की तरफ बढ़ गई है। जी विसल हो गया है मुशकाफ रेलवे स्टेशन के ऊपर और होपफुली 3 अप का क्रॉस जो है वो 4 डाउन के साथ सिब्बी जंक्शन पे होगा। वहाँ पे मीट करेगी हमें। रोहरी से 259 किलोमीटर दूर है ये। सर अच्छे शॉट के लिए क्या क्या करना पड़ता है? खून पसीना बहाना पड़ता है। सामने आपको बंजर ज़मीन दूर दूर तक नज़र आ रही है। अगर सुनामी ट्रीज़ यहाँ भी लगा दिए जाएँ, यहाँ भी कैंपेन स्टार्ट कर दी जाए तो बलूचिस्तान का ये इलाका फल फूल सकता है और ग्रो कर सकता है। टॉप स्पीड अचीव की थी और उसके फ़ौरन बाद ही ब्रेक्स लग गई हैं। सामने खेतों में कपास लगी हुई है, कॉटन फील्ड्स हैं। अभी हम सिब्बी जंक्शन पे रोड बना रहे हैं और सामने जो आपको ट्रैक नज़र आ रहा है ये रोहरी से आ रहा है और इसी पे अभी हम वापस जाएंगे और हबीब कोट तक इस रेलवे लाइन पे हमारा सफ़र जारी रहेगा और वहाँ से हम डाइवर्ट कर जाएंगे ML2 के ऊपर टूवर्ड्स कोटरी। 4554 रेडी खड़ा हुआ है लीड करने के लिए 4 डाउन बोलान मेल को सिब्बी से कराची तक के लिए। लोको शेड सिब्बी के करीब से हम गुजर रहे हैं और रिलीफ ट्रेन सामने आपको खड़ी हुई नज़र आ रही है। सिब्बी जंक्शन पे हमसे पहले ही 3 अप सिस्टर ट्रेन का यहाँ पे मिलाप हो गया है। 4 डाउन एंड 3 अप बोलान मेल आपस में मिली हैं। 5127 लीड करेगा इसको कोटा तक के लिए। और 4554 अटैच होने के लिए आ गया है सिबी जंक्शन पे और ये हमें लेके जाएगा कराची तक। G20 2300 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है और जनरल इलेक्ट्रिक का बना हुआ है। लोकोमोटिव अटैच हो गया। थ्री अप बुलान मेल की विसल हो गई है और निकल रही है ये कोयटा के लिए। और 4 डाउन बोलान मेल को G20 4554 अटैच हो गया सिबी जंक्शन पर। तो सबसे पहले ये क्या है भाई? आलू कीमा सर। आलू कीमा। कीमा कौन सा है, बड़े का छोटे का? बड़े का। ये क्या है? ये आलू गोभी जनाब। ये दाल है, ये चने। दाल कौन सी है? दाल मूंग की। दाल मूंग, चने। चने सर। ये पत्थर की तरह लग रहे हैं। नहीं सर, ये आप खा कर देख सकते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। और ये तड़के वाले चावल है जी सर। तो तड़के वाले चावल और चने की प्लेट कितने की बनेगी? 60 रुपये की। तो क्या ख्याल है, क्या खाया जाए फिर? मेरे ख्याल में तो कुछ सालन ही लेते हैं रोटी के साथ जी। चले, मुझे लग रहा है कि दाल लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ आप बता दें। आलू कीमा लेते हैं। आलू कीमा। पानी आ रहा है आपके मुँह में। मांसाहारी। ठीक है भाई जान, बिस्मिल्लाह करें। गाड़ियाँ तो चलती रहेंगी, बिल्कुल, हॉर्न भी बजते रहेंगे और खाना जो है वो ज़रूरी है अगर आगे वीडियो बनानी है तो। दोस्तों आपको बता दूँ मैं दोनों ही वीडियोज़ के अंदर कि अभी 4:08 हुए हैं शाम के और बोलान मेल 4 डाउन जो है वो राइट टाइम अप्रोच किया था उसने सिब्बी जंक्शन पे और 4:10 का इसका डिपार्चर है यहाँ से। तो शाम को 4:10 पे ये निकलेगी और ML3 पे हम हबीब कोट तक अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून। लेकिन जी दूसरी विसल भी हो गई है और हमारा जो सफ़र है वो सिब्बी से कराची की तरफ स्टार्ट होने लगा है। सर यार्ड तो आते हुए भी देख लिया था, अब खाने पे ध्यान देते डाउन। बुलान मेल धीरे धीरे तकरीबन 60-65 किलोमीटर की स्पीड पे ML3 के सेक्शन के ऊपर अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। रूट के बारे में आपको बता दूं कि सिपी से निकलने के बाद बख्तियाराबाद डोंकी, जैकबाबाद, शिकारपुर से होती हुई हबीब कोट और हबीब कोट से हमारी ट्रेन ML2 के ऊपर मुड़ जाएगी और रोहरी नहीं जाएगी और वहाँ से दादू लाड़काना, दादू सेवन शरीफ से होती हुई सिंध यूनिवर्सिटी और उसके बाद कोटरी जंक्शन के ऊपर ML1 पे अप्रोच करेगी और वहाँ से ML1 पे चलते हुए सुबह 7 बजे का इसका अराइवल है कराची सिटी का। तो देखते हैं कि किस टाइम ये पहुँचती है वहाँ पर। सिपी जंक्शन के बारे में आपको बता दूं कि सिपी जंक्शन इसलिए जंक्शन है कि एक लाइन कोल्टा के लिए निकल जाती है, एक रोहरी के लिए, और उसके अलावा एक लाइन सिपी हरनाई और आगे छप्पर लिफ्ट जब कभी एक्टिव हुआ करता था और बोस्तान जंक्शन तक अप्रोच करती है ट्रेन। तो एक सेक्शन वो है जो अभी फिल वक्त अबेंडेंड है और वर्किंग कंडीशन में है हरनाई तक। तो उम्मीद है कि जल्द ही हरनाई का जो सेक्शन है वो खोल दिया जाएगा और बलूचिस्तान की और सिंध की जो आवाम है उनको सहूलत मैसर की जाएगी। शाम ढलती जा रही है और जल्द ही सूरज गरूब हो जाएगा। उसके बाद अंधेरा छाने के बाद ज़्यादा मैं रोल नहीं करूँगा क्योंकि नज़र कुछ आएगा नहीं। एक चीज़ और मैं डिस्कस कर लूँ कि आलमोस्ट 950 किलोमीटर का ये ट्रैवल है और पूरी ट्रेन में कोई वेंडिंग की जो फैसिलिटी वो मौजूद नहीं है। और भी ख़राब लग रहा है वैसे मुझे G20 का, आधा बजा है और आधा नहीं बजा। तो खाने पीने की जो सहूलत है वो ट्रेन में मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल में डाइनिंग कार जो है वो बोलान में और जाफ़र एक्सप्रेस दोनों में लगानी चाहिए, ख़ास तौर पे जाफ़र में तो ज़रूर लगानी चाहिए। आप उसका ट्रैवल देखें, कम से कम 30 घंटे का उसका सफ़र है ऑफिशली, तो उसमें भी सहूलत नहीं है खाने पीने की, जो काफ़ी अजीबोगरीब से ऐसा लगता है। इतना ट्रैवल करे आदमी ट्रेन में और डाइनिंग कार ना हो। एक चीज़ और काबिल गौर है और वो ये कि बूलान मेल का मतलब है कि वो ट्रेन जो डाक लेके चलती है। तो मुझे अभी इस ट्रेन में कहीं कोई लाल डब्बा नज़र नहीं आ रहा और मेरा नहीं ख्याल इसमें अभी कोई डाक चल रही है। पाकिस्तान पोस्ट का हमला भी नज़र नहीं आया, हो सकता है मेरे सामने ना हो, पर लाल डब्बा अभी भी इसमें कहीं नहीं लगा हुआ। तो ये वो ट्रेन थी जो कराची से कोटा और कोटा से कराची डाक लेके चला करती थी। एक 186 किलोमीटर के मार्ग के ऊपर डमोली रेलवे स्टेशन से PLC पकड़ के पास थ्रू हो रहे सिपी जैकबाबाद सेक्शन पे स्लीपर नए बिछाने का काम जारी है और लास्ट टाइम जब मैं मार्च में आया था सन 2021 में, तो इस सेक्शन पे इस जगह स्पीड बहुत कम थी। अभी काफ़ी हद तक स्लीपर जो है वो बिछाए जा चुके हैं और ट्रैक की मरम्मत का काम भी हो चुका है। तो अभी स्पीड जो आपने देखी 75 के ऊपर हमारी जो ट्रेन है वो दौड़ रही है। एक 175 किलोमीटर के माइलस्टोन के ऊपर बख्तियाराबाद डोंकी पे अप्रोच कर रहे हैं और अभी टाइम हुआ है 5:17। स्टेशन पे लाइट मौजूद नहीं है पर लोगों के मोबाइल्स की टॉर्च ज़रूर जल रही हैं। इस वक्त डेरा मुराद जमाली रेलवे स्टेशन के ऊपर अप्रोच किया है। रिकॉर्डिंग है अभी डेरा लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर अप्रोच बनाई है 4 डाउन बूलान मेल ने। अभी 7:10 हुए हैं और ट्रेन राइट टाइम चल रही है। बलूचिस्तान प्रोविंस का आखिरी रेलवे स्टेशन है, इसके बाद जैकबाबाद जंक्शन आ जाएगा जहां से सिंध प्रोविंस स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा सफ़र जारी है कोटा से कराची का। जी सिंध का पहला रेलवे स्टेशन जैकबाबाद जंक्शन पे अप्रोच बना रहे हैं। सात 7:45 पे रात को अप्रोच बनाई है जैकबाबाद जंक्शन पे। जैकबाबाद जंक्शन से एक रेलवे लाइन रोहरी निकल जाती है, एक रेलवे लाइन कश्मोर कानकोट टीजी खान जो कि ML2 है वो निकलती है और आगे जाके कोटद्दू के ऊपर अप्रोच बनाती है वो लाइन, और कोटद्दू से आगे कुंदियाँ मियाँ वाली अटक पे जाके मिल जाती है। स्टेशन के बाहर स्टॉल वालों की लाइट है और स्टेशन के अंदर लाइट नहीं है। ये देखें आप, बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है रेलवे स्टेशन। ऐसे लगता है कि जैसे जंगी हालात पैदा हो गए हैं और लाइट जो है वो खुद बंद की गई है। जैकबाबाद से काफ़ी मुसाफिर जो हैं ट्रेन में सवार हुए हैं और अभी तक सवार हो रहे हैं। रश बढ़ चुका है। जैकबाबाद जंक्शन पर रात का खाना आज के मेन्यू में है उबले हुए अंडे और केक, चाय, नमक। ले जी शिकारपुर पे पहुंच गए हम और जैकबाबाद के बाद ये नेक्स्ट स्टॉप है। ML3 के ऊपर वाक़ है ये रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन पे भी अंधेरा है, बिल्कुल कोई लाइट ऑन नहीं है सिवाय ट्रेन की लाइट के या लोकोमोटिव की लाइट के। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमें भी अब सो जाना चाहिए। रात के 9:05 पे अराइवल हुआ है। हमारी ट्रेन 4 डाउन बूलान मेल अप्रोच बना रही है हबीब कोट जंक्शन पे और यहाँ से हम ML3 छोड़ के राइट जाने वाली रेलवे लाइन जो दाएं हाथ मुड़ जाएगी ML2 उसके ऊपर अपना सफ़र जारी रखेंगे और ML3 बिल्कुल सीधी चली जाएगी सखर और फिर रोहरी जाके ML1 को मीट करेगी। दोस्तों नीचे जो आपको लाइन उधर जाती हुई शायद नज़र आ जाए वो चली गई रोहरी और हम चले गए कोटरी बाईपास ML2 के ऊपर। मैं अपने मोबाइल की लाइट लगा रहा हूँ कोच के ऊपर। जी सुबह सुबह हम ML2 से होते हुए कोटरी जंक्शन अप्रोच कर गए और सामने ML1 है। सामने आपको कोटरी जंक्शन का यार्ड नज़र आ रहा है। सुबह सुबह कोटरी जंक्शन के ऊपर काफ़ी चहल पहल है। इंटीरियर सिंध से काफ़ी लोग इस ट्रेन में सफ़र करते हैं। लोको क्रू रिप्लेसमेंट भी हो गई है कोटरी जंक्शन पे और अभी आगे का जो सफ़र है वो हम ML1 मेन लाइन 1 पे करेंगे कराची तक। कोटरी जंक्शन पे हमारी ट्रेन तो खड़ी हुई है और पीछे से 6015 6015 AG 30 10 डाउन को लेके आ रहा है सियालकोट से और लोकोमोटिव अटैच हुआ हुआ है लाहौर से। तो देखते हैं अभी अलामा इकबाल एक्सप्रेस कोटरी से निकलती है पहले या बूलान मेल 4 डाउन। जी सिग्नल हो गया है AG 30 किसी भी टाइम विसल कर दिया है और इसने अभी लेके निकल रहा है अलामा इकबाल एक्सप्रेस को कराची के लिए। हमारी ट्रेन इस वक्त तकरीबन 2 घंटे के करीब लेट हो चुकी है। 7:30 का इसका अराइवल है कराची में और अभी 8 बजे हैं और हम कोटरी जंक्शन में मौजूद हैं। ले जी नाश्ते का टाइम हो गया। अंडे गरम अंडे ये लो जी अंडे भी आ गए जी। 9034 G 4046 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस ले को भी पहुंच गया है कोटरी जंक्शन पे। एक और ओवरटेक कल सुबह 6 बजे की चली हुई है ये रावलपिंडी से और 4 दिसंबर को तकरीबन 8:10 पे इसने पहुंच किया है कोटरी जंक्शन पे और अभी ये ओवरटेक करेगी होपफुली 4 डाउन बूलान मेल को। ले जी बिल आखिर हमारी ट्रेन को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है। एक चीज़ बता दूँ पीछे से 42 डाउन कराकराम एक्सप्रेस हैदराबाद पहुंच चुकी है और वो अगले किसी भी स्टेशन पे हमें खड़ा करके उसको भी ओवरटेक कराया जाएगा। रेलवे स्टेशन से पास हुई है ट्रेन हमारी, और हमारी ट्रेन के पीछे 8 डाउन तेजगाम और 42 डाउन कराग्राम एक्सप्रेस लगी हुई है। देखते हैं ओवरटेक होता है या नहीं होता। एक्सप्रेस 27 का क्रॉस हुआ है, 110 वर्सेस 110। लगता है शालीमार में बैठना पड़ेगा। बिल्कुल, क्या ख्याल है? बात है, लेकिन लाहौर जाके सोचेंगे कि जब रात को 3 बजे पहुँचेंगे फिर क्या था, प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएंगे फिर वहीं कहीं। फॉर्म के करीब से गुजर रहे हैं अभी हम, और शालीमार एक्सप्रेस का बड़ा खूबसूरत क्रॉस आपने देखा है। जम्पीर रेलवे स्टेशन के ऊपर प्लेट्स लगी हैं आउटर सिग्नल के ऊपर। होपफुली यहाँ पे क्रॉस होगा क्योंकि बुलान मेल 4 डाउन का यहाँ पे स्टॉप नहीं है। ब्रेक्स लगने की एक और रीज़न भी हो सकती है कि हमसे आगे 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस गुजरी थी, हो सकता है वो करीब हो, तो इस वजह से ट्रेन को हमारे वाली को रोक लिया गया है यहाँ पर। तो अभी एग्जैक्ट सिचुएशन कुछ देर में मालूम होगी। क्रॉस होना अभी बाकी है, 11 अप आ रही है और जिम्पी रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन निकल रही है। तो ओवरटेक है वो फ़िलहाल नहीं हुआ क्योंकि मेन लाइन पे हम खड़े हुए थे। तो वही बात हुई है कि सामने जो 46 डाउन जा रही थी वो बहुत करीब थी हमारे। अलेवन अप आ रही है G40 के साथ। कोटरी जंक्शन से निकलने के बाद जो पहला स्टॉप है 4 डाउन का वो मुरादाबाद है। तो मुरादाबाद पे पहुँच गई है अभी हमारी ट्रेन ने। 8:35 हुए हैं। मुरादाबाद के बाद अगला जो स्टॉप है 4 डाउन बूलान मेल का, वो जंग शाही का है और हम अप्रोच कर रहे हैं। 8:50 हुए हैं अभी सुबह के। पैसेंजर मौजूद हैं यहाँ पे सुबह सुबह कराची जाने के लिए। थर्टी ना पा रही है ZQ30 के साथ। घाटी जंक्शन आ रहा है, यहाँ पे हम उतर जाएंगे और यहाँ से टैक्सी पकड़ के अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। तो अभी 9:40 हुए हैं सुबह के, और तकरीबन ट्रेन जो है वो 2.25 घंटे के करीब जो है वो लेट हुई है। ओवरऑल जो हमारा जर्नी था वो बहुत अच्छा रहा, हम सब ने इन्जॉय किया इस जर्नी के अंदर। डिफरेंट लोकेशंस आपको दिखाई, कैब राइड की, छोटे बड़े सभी स्टेशन दिखाए। तो जहाँ तक ट्रैवल टाइम की बात है, वो अगर बस के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो वो ऑलमोस्ट डबल है, या डबल ना कहें तो मतलब ट्रेन जो है वो उसने तकरीबन 23 घंटे का टाइम लिया है, और जो बस है वो तकरीबन 12 से 14 घंटों में कोटा से कराची पहुँचती है। तो इस वजह से मोस्टली जो लोग हैं वो बस को प्रेफर करते हैं, और रेल पे सफ़र इस ट्रैक पे बहुत कम करते हैं लोग। फैमिलीज़ के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, या जो बीमार हैं जो बस का सफ़र नहीं कर सकते, उनके लिए ट्रेन बेस्ट है। तो अगर ट्रैक जो ML3 है उसकी हालत को बेहतर किया जाए तो कोटा कराची कमर्शल वर्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह और भी इस किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे। स्टे ट्यून, खुदा हाफिज़।